छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के गठन के बाद पहली बार कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव अपने विधानसभा क्षेत्र अंबिकापुर पहुंचे। अंबिकापुर पहुंचे सिंहदेव का रेलवे स्टेशन से सर्किट हाउस तक आतिशी से स्वागत हुआ, जिसके बाद सर्किट हाउस से गार्ड ऑफ ऑनर लेने के बाद कैबिनेट मंत्री ने एक बड़ा बयान दिया और कहा कि वित्त मंत्रालय सीएम अपने पास रखना चाहते हैं। सरगुजा संभाग में कांग्रेस को ऐतिहासिक जीत दिलाने के 14 दिन बाद अंबिकापुर पहुंचे टीएस सिंहदेव का कांग्रेस कार्यकर्ताओं और अधिकारियों ने भव्य स्वागत किया। रेल मार्ग से अंबिकापुर पहुंचे सिंहदेव स्टेशन से सीधे सर्किट हाउस पहुंचे और वहां कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए सिंहदेव ने एक बार फिर अपने दर्द को बयां किया और कहा कि लोग मुझे सीएम के रूप में देख रहे थे, लेकिन यहां के लोगों की भावनाएं इतनी गहरी और शुद्ध है कि आगे उनकी उम्मीद पूरी हो सकती है। इधर इशारों में अपने आप को सीएम इन वेटिंग बताने के बाद कैबिनेट मंत्री सिंहदेव ने किसानों के कर्ज माफी और समर्थन मूल्य के साथ सिंचाई के रकबा को बढ़ाने के लिए जल्द बेहतर कार्य योजना बनाने की बात कही है। वो चाह रहे थे कि छेद से मुख्यमंत्री भी अगर हमारे हो जाते तो बहुत अच्छा होगा। बहरहाल वो स्थिति तक मैं इनको नहीं पहुंचा पाया, उतनी निराशा मैंने इनके पाले रखी है। भविष्य देखिए क्या होता है, भविष्य में उनकी भावनाएं इतनी गहरी और इतनी शुद्ध हैं तो वो जरूर किसी न किसी अंजाम तक सरगुजा के प्रतिनिधियों को पहुँचाएंगी और जिम्मेदारियाँ जो मिली हैं उनको अब निर्वहन करने का समय आ गया। बाबा जनता ने कहा था सरगुजा सरकार, इस बार क्या लगता है सरगुजिया सरकार चलेगी? गौरतलब है कि कांग्रेस के पक्ष में अभूतपूर्व नतीजे आने के बाद टीएस सिंहदेव ही सीएम के रूप में देखे जा रहे थे, लेकिन फिर कांग्रेस आलाकमान ने भूपेश बघेल को ये जिम्मेदारी दे दी, जिसके बाद टीएस सिंहदेव ने वित्त मंत्री बनने की इच्छा जाहिर की थी और फिर ये कयास लगाए जाने लगे थे कि टीएस सिंहदेव को ही वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी मिलेगी। लेकिन अंबिकापुर पहुंचे टीएस सिंहदेव ने आज ये साफ कर दिया कि वित्त मंत्रालय भी उनको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि सीएम भूपेश बघेल उस मंत्रालय को अपने पास रखना चाहते हैं। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री सिंहदेव ने पुलिस के सप्ताहिक अवकाश की बात भी कही। मेरी रुचि भी है, लेकिन आपस की बात में भूपेश जी से हम लोगों ने बात की तो उनका मुख्यमंत्री जी का और सब जो राय अंततः हमने की कि उनके पास जो विभाग थे पहले रमन सिंह जी के पास, तो वो भूपेश बघेल जी के पास रहेंगे तो वित्त भी उन्हीं के पास रहेगा। अन्य जो विभाग हैं आप देखें कौन सा मिलता है, एक दिन का अवकाश मिलेगा पुलिस वालों को, ऐसा मेरा मानना है। अभी कैबिनेट में जाके उस पर निर्णय होगा। अपने विधानसभा क्षेत्र पहुंचे कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव आगामी 3 दिनों तक अपने विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। बहरहाल लोगों में सिंहदेव के सीएम ना बन पाने की मायूसी के बीच आज सिंहदेव के आगमन की खुशी के बाद लोगों के बीच अब इस बात की